हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? मैं तो एकदम ठीक हूँ। तो सुबह के बज चुके हैं 10 और मैं नहा ली थी क्योंकि मम्मी और जगह पर गए थे कपड़े धोने, तो मैं वहीं पे नहाई थी और मैंने मेरे बाल भी बहा लिए हैं। और देखो, आज मैंने पहनी है मेरी शर्ट और मेरी एंकल पैंट। तो दिखाती हूँ आपको भैया क्या कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, क्या कर रहा है? कुछ नहीं, और मम्मी मेरी नहाने गई हुई है। मम्मी आएगी जब मैं आपको दिखाऊंगी। अभी मैं करूंगी थोड़ा सा स्कूल का वर्क, फिर हम जाऊंगी मैं दादा के साथ गांव में, वैसे मैं चीजें लेके आऊंगी। तो फाइनली टाइम हो गया है 10:15 का और राम राम मेरे तरफ तभी सैरन है। तो व्लॉग की शुरुआत अनवी ने करे दी है, किसी करी है वो मेरा फोन बाद में देखूंगी। तो ईब के बेटा बोल तेरी बात। हर स्टाइप पर्सन आ रहा था, इबे पेपर है जी 5th क्लास में। राजा दशरथ है, कैसे आए? राजा दशरथ अपने महल में जब राजा उसका विवाह हुआ था जब कैसे आए? कैसे आए? इसने मेरा क्या लिख दिया पेपर में, आंसर को नहीं आया। इसने क्यों भैया पूरी साल गया कुछ अपने बेरा हुआ, इसका तकलीफ रहा कर दिक्कत पेट में कदे सिर में, तो उसका आंसर ही उन्होंने लिख आया चल कर आए। राजा दशरथ अपने बेटे के विवाह में कैसे आए? बोले चल कर आए। रथ पर आए रथ पर आए, ये लिखा चल कर आए। मम्मी, और एक और था प्रश्न है, राजा दशरथ कैसे राजा थे? लिखे बोले बोले बुल्लू। तो ईब काम मेरा सारा कंप्लीट हो गया है। सुबह सवेरे बल्कि मामे कपड़े भी धो ले आए हो और मेरे बेटा ने कहा मम्मी वो सूट निकाल दो आप, अच्छा को लगता है ये गाजरी सलवार है, वो ब्लैक कुर्ता और ये वो गाजरी इसको ऊपर दुपट्टा है। इन्होंने कहा मम्मी अच्छा को लगता है ये सूट निकाल दो, तो ये मैंने पहले भी मैं निकालूँ को नहीं बदलू है घटा का भाई मेरे पास सूट। इन्होंने कहा मम्मी निकाल दो इसने आप, तो मैं निकालना ही पड़ेगा भाई इसके कहाँ थे, कौन नहीं मानने लग रहा है इसका। नीचे व्हाइट सलवार पहन लूँ फिर तो ठीक है। तो ईसा ऊपर बेटा इसका नया सूट है यो। अच्छा ठीक है। तो ईब मैं जाऊँ लग रही हूँ फिलहाल गांव में, क्योंकि बता दे बेटा क्योंकि एक रहा स्कूल का फर्क है छुट्टियां का, तो इस पे पेन को नहीं, अनवी की पेंसिल खत्म होगी तो ये नुकर पेन खत्म हो गया, पेंसिल टूट गई। अच्छा तो पेन खत्म हो गया है, पेंसिल टूट गई है, तो इनकी पेन और पेंसिल लेकर देऊ। तो चलो एक बार मैं फटाफट चलती हूँ गाँव में। गाइज अभी टाइम हो चुका है शाम का 4 बजे का और दिन में हमें सो गए थे, तो चाय चूय पी बनाई उठ कर और थोड़े से कपड़े प्रेस करने थे सुबह दे सुबह के धोए थे वे। अनवी लग रही है अपना देख सको आप प्रेस करना, या बोली मम्मी मैं करूँगी प्रेस मुखा कर ले, तो मामी तो सारे जने उठ गए हैं और हर से कराटे मारने लग रहा है, वो सोने लग रहा है। तो उसने जगह कौन भाई सो जाओ कोई दिक्कत कौन के करना, इसने वैसे भी पूरा दिन के कोई काम कौन नहीं। और ये सुरेश जी इस शर्ट थी तो नुबली मैं करूँगी मेरे पापा की शर्ट के प्रेस मुखा कर ले भाई, मरने की दिक्कत लो टी शर्ट भी होगी अलबा भी होगी बनाई देगी या कौन आपने कहा था प्रेस। और मेरे पैर की आज जो है सोजी से उतर गई है और खारिश आवे इतनी ज्यादा खारिश आवे नु जी करे मैं पाड़ दू पैर ने कोई चिमटा चक्कू लेके जनू खुर्चे जा दो पैर ने कसूती हालत हो रही थी खारिश में। बाकी सोई उतर गई सारी तो मन उतरी लेकिन कुछ कुछ रह रही है और नू खुर्चे जा रही पैर ने इतनी बुरी हालत हो रही है या दोबारा फिर बिछा ली इसकी प्रेस ना देखिए कितनी तो इस तरह थोड़ी करा कर तो टोकन लग रही बेटा। और मेरी बेटी के भाई उन गागरे ते और वो टॉप टॉप पहन रहा करे उन तो सुतरिया बुरशट लागा मन्ने, तो गणिए बुरशट पड़ी है रसकी गणिए बुरशट पड़ी है। क्यों मम्मी मोर पे ऊपर पहन नहीं हो रहा है? पर भाई बेटा और कोई थोड़ा है वो अपना भाई कपड़े तो पहन सका हां देखो, तो भैया पूरी बाहें कपड़े तो पा रहे को नहीं क्योंकि ये पूरी बाजू की शर्ट थी, तो पूरी बाहें कपड़ा नहीं पा रहे या कदे भी स्कूल में भी या सर्दियां में बस मजबूरी हो है लेकिन कदे भी पूरी बाहें कपड़े को नहीं पा रहे। तो मैंने भी जितनी बुर शर्ट थी नहीं 3-4 कट कट कर उनकी आधी बाजू कर दी ऐसे ही लागे नहीं पहना घूमने जाएंगे भाई भी कोई प्लानिंग को नहीं। तो भाई मेरे पैर में दर्द है मेरे पर चल लिया पंजाब कसूता दर्द है पैर में देखी जो मैं पूरा पूरी सोई कोई उतरी है और खारिश आवा है जो मन दर्द हुआ भयंकर वाला। देखो गाइस अभी मेरी मम्मी मुझे सिखा रही है
कैसे प्रेस करते हैं तो प्रेस करके बेटा पहला देखिए बात जो सीधी करके ना इन बात जो है वो प्रेस करो देखो प्रेस थोड़े कपड़े थे मैंने नीचे को बिछाया नहीं तो मैं नीचे दरी दरी बिछाया करया करूं बेड पे को करया करूं तो एक बाजू कर दी इसके बाद मैंने किस तरह दूसरी बाजू बिछा ली ठीक है मैं डर है मेरा हाथ ना पल जाए हाथ की बात आपने तो कोरिश कर रखे है मेरे एक बार पैर पे भी लग गई है बस इस तरह कर ले मैं जो लिटरी थी मम्मी उस दिन एक साल की बात है जितनी आपने उरे प्रेस ला रखी थी और मेरी उंगली लग गई पैर वाले बेटा ये आप स्कूल का वर्क कर लियो मम्मी पेंसिल ली नहीं है सिक्के खत्म हो गए पापा से मंगाऊंगी सवेरे तो गई थी मैं ले आई थी सिक्के नहीं लाए आप और के लिया था पेन लेके आया था वो अरे मैंने कहा था बेटा दीदी का भी जो भी सामान मैं तो स्कूटी लेके खड़ी हुई थी उसने लिया था सारा सामान मखान भी का भी ले ली बेटा ठीक है मम्मी ले लिया अरे चीज लेने लग रहा था इतनी सारी मेरी माँ लग रही पानी पियाने मैं इसने गाने मरी गां देख लिया और ये बारी मैं ऐसा पड़ा कड़ा है पड़ा रहा अच्छा गां का पीछे लुक रहा दिखता को नहीं ये वो लुक रहा गां का पीछे ये मैं और मेरी माँ काटांग भाई सन्नी मतलब ज्वार काटांगे थोड़ी सी ज्वार ले आई मेरी माँ सारा दिन चूने चूने छानी काटांगे छानी काटांगे तो ज्वार काटांगे और के छानी काटांगे ज्वार की और सारा दिन भाई चून मिला मिला के चून मिला मिला का कितना चून मिला ले दो दो मिनट में चून मांगा जमा दो दो मिनट में एक बार मुंह मारा थोड़ा सा चून को फिर फेरूंगा चून मिलाओ तो ज्वार लेके आए हवा काटांगे और उसमें भी निरा चून मांगा है ज्वार गेड़ा पास से भी नहीं होगी चून मिलाओ और देखियो करोरी देखियो छिड़कड़ी सी जुड़ी थी कि खाना कौन मिलता देखी नू हरी है और हालन लग रही है इसी इतनी तो गर्मी को नहीं और नू करो लग रही देख लियो कुकर खड़े खड़े हमारा घर थोड़े से दिन में छोटा सा नन्ना सा मेहमान आऊगा कै दिन और आऊगा फिर भी हूँ आपने तो बेरा हुआ है 10 तारीख फिर आऊगा 10 तारीख पास हमारा छोटा सा मेहमान आऊगा देखो क्या आऊगा कटा कटा रह गया मारो पढ़ो पढ़ो रह गयो और उसके बाद में बे दिए मैंने ये चीनी क्योंकि आज है 14 तो 14 ने हमारा भैरव बाबा दू क्या करा तो भैरव बाबा का चढ़ा करा तेल यानी तेल के गुलगुले तो तेल के गुलगुले बनाऊंगी और खीर है जो वह बनाऊंगी तो पहला मेरी माँ निकाल देगी दूध तो पहला तो मैं खीर चढ़ा दी और इतना खीर बनाएगी मेरा इतना इसकी सारी जो घोल है इसका ये तैयार कर लूँ पेंसिल शार्प करने का नया तरीका नया सोपरिंग देखो पेंसिल छोलन का एक नंबर पेंसिल छोलन है अरे मम्मी दम तक कर दियो साफ है तो ला रही देखी पापड़ सारे जोड़े तो भर दी न्यू छोला भाई देख इस तरह न्यू हाथ छोला बिटी हो हाथ काटा कल ने देख ये देख इस तरह लग रही छुल गया देख सही बाकी देख लियो कितना पहनना हो इसके दांत रहनी तरह सोपरिंग नहीं हो बाई चांस बच्चे की सोपरिंग खू जावे तो ये सबसे बेस्ट तरीका है पेंसिल छोलन का आप देख सको इतनी बढ़िया पेंसिल छोलती है और कचरा तो बिखेरेगा बहुत ज्यादा ये देख कचरा पेंसिल ले अपनी और यहाँ पे दोनों बच्चे लगे हैं छुट्टियों का वर्क करने के लिए मम्मी मेरे देश के बाद दो कॉपी कर गए बस उसके बाद मम्मी फिर हम जाएंगे और उरे कर लिए मैंने गुलगुले बनाने की तैयारी आग जला दी है चूल्हे में और तेल रख दिया है और गोल भी तैयार कर लिया है और उरे कर रही मेरी माँ खीर बनाने की तैयारी चाड़ लग रही साफ करने तो उरे रखी मेरी माँ ना आ रहा मैं खीर दूध रख दिया है इतना ये उबला इतना चावल साफ कर लेगी तक धूप तो पड़ी है थोड़ी थोड़ी सी रह रही है धूप तो मेरे गुलगुले बना रहे देखो सच में भाई बढ़िया बनाए हैं गुलगुले सरवाली गाने तो बनी को नहीं बढ़िया देखो सरवाले तो बांग पटोले है रोटी सी पर की है रुक जे सरवाला की तो रोटी सी बना रखी मैंने और ये सेकंड वाले है नहीं ये बन गए देखो बढ़िया बन गए तुम्हें है नी जाओ
हाँ जी बेटा, अनवी जाओ रेस लगान, तो आगे का व्लॉग अनवी कंटिन्यू करेगी, तो चलो मैं बना लूं गुलगुले। तो गाइस अभी मैं लगा रही हूँ रेस, बाहर से देखो साइकिल लेके आ रहा है और मैं इसके पीछे पीछे भाग रही हूँ। रेस लगानी जरूरी होती है, आप भी लगाया करो रोज। खास है कि बढ़िया बनाया है, आज मेरी माँ मेरे गुलगुले टेस्ट करके बताऊंगी किसे बने हैं। बाकी मन ना लग गया भाई, आज तो सही बनाए मैंने गुलगुले, गिल्ला मेरे फाइंड में बना है सरसों का तेल में, गिल्ला गुलगुला मन बना है नरम नरम। रिफाइंड में बना भाई जमा नरम नरम गुलगुले, मैं हमने कोशिश करके देख ली, ट्राई करके हर बाना बजा लिया मैं हमने, फिर घी में बना के दिखाएंगे। हमारे गांव में आज की प्याज की फिर दिन फिर घी में बना के देखेंगे फिर। बाकी सही बन रहे हैं, सही बन रहे हैं, टेस्टी टेस्टी बन रहे गुलगुले तो सही जमा, जो कर कर बोल रहे खाते तो मेरी मन आया करना दूध काट के खीर चढ़ाए, दूध काट के खीर भी चढ़ाए, मैं तो आज भट्टी चढ़ने लग रही है। फिर मेरा लकड़ी की चीज भी जा गई, इतने आ रहे हैं तो ताल सीधे चूल्हे में अपन ही लकड़ बाले जा बाले टाटी आ गया सर, ये देख लो टाटी, मेरे दुश्मन देख लो, देख लो मेरे दुश्मन आ गया, मैं गेट जड़े हो, देख लो देख लो, मैं बाल्टी भर गया ही नहीं, चार आया तो लियो मुखले भाई पेंट तो पानी नहीं आता। बकरी हूं देखो कितना साफ ही भर रहा, उगाड़ूंगी देखे जिदे काला काला सा जगह देखो, रिमू डकू साफ हो जाएगा, चुंदड़ी तो कोनी मुड़क लियो नी मुख ऊपर फिर चलना आ जाए इस माप पे, हो गया साफ है, हटा लियो गुलगुले खाने गर्मा गर्म आ सकते है। आपकी शुरू वाली वीडियो देखियो, जो आपकी पहली वीडियो बनाई थी वो वीडियो देखियो एक बार, आपकी आप काली होनी मरण हो रहे हो, शुरू वाली वीडियो देखी, शुरू वाली 8-9 महीने पहला की एक वीडियो शॉर्ट वीडियो जो वायरल हो रही बहुत ज्यादा 5.5 मिलियन हो रही है, वह वीडियो देखी मेरी माँ, उस वीडियो में किसी है, अरे ईव देखो मेरी माँ ने किसी है, अगना ही हो रहा है ईव देख लियो, मेरी माँ किसी है देखो ईव तो, अरे वह वीडियो ठहर देखी था मेरी माँ की, मेरी माँ का बेरे नहीं के सिस्टम है भाई, रोटी पानी जब खाया कर, एक साल मेरी माँ सही हो जे है, मतलब मोटी मोटी हो जे सही हो जे, हर एक साल मेरी माँ इसी हो जो अपने आप ही ऑटोमेटिक के चक्कर है बेरे नहीं। तो पुनिया साहब आ गए हैं और बच्चे लगाओगे थप्पा आपका पापा का है, तो उनकी बरा कौन कौन पास चलो करे बिछाड़ गए, तो पापा ने बता हर बात का पता लग जी है, दे ले ये मंगवाने इनकी सारा, मैं भी दुआ के लिए आई थी दिन में इनकी स्पेशल गई थी काम में ये सामान है, ये के है बुक ले हो, ये के ले चार टम ले रहे थे 10 चले कोई नहीं, हां दे दे ले 10 गाय कर कयो हैं 5 का एक आवे अन्नू की पोटे का देख लियो भाई, मैं दिन में भी दुआ ले आई इनती अरे बाप के पापा पे मंगा लिया इनती सामान देखो ये दुआ ओहो तो तो चाट ये तो डबल होगा बेटा, वो 5 का छोटा अंडा वही 10 का बड़ा आया है, रात नहीं तो शाम को बज चुके हैं 10 और मेरे पापा जागे थे, हम बातें कर रहे थे तो इसलिए देर हो गई, तो मम्मी दे रही पापा जी को खाना और आज का व्लॉग मैं एंड करूंगी, तो आज का व्लॉग यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, और जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, बाय।